समय की बात है, सरला अपनी सौतेली बेटी प्रीता को बहुत सताती थी। सरला की एक और बेटी थी जिसका नाम सृष्टि था। सरला सृष्टि से बहुत प्यार करती थी, लेकिन प्रीता से घर का सारा काम करवाती थी और कभी उसे अच्छा सा खाना भी नहीं देती और ना ही कभी अच्छे कपड़े देती। एक दिन उस शहर के सबसे अमीर लड़के करण लूथरा ने ऐलान किया कि उसे एक सुंदर सी लड़की से शादी करनी है, इसीलिए शहर की सभी लड़कियाँ उसकी पार्टी में आएँ, जो उसे पसंद आएगी वो उसे शादी कर लेगा। जब ये बात सरला को पता चलती है तो वो सृष्टि से कहती है, तुम जल्दी से पार्लर चली जाओ और अच्छे से तैयार हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीद कर लाती हूँ। तब सृष्टि कहती है, क्यों माँ? तब सरला कहती है, इस शहर के सबसे बड़े आदमी करण लूथरा ने ऐलान किया है कि जो लड़की उसे पसंद आएगी वो उसे शादी कर लेगा और हमें बहुत बड़ी पार्टी देखने को मिलेगी, तो बस जल्दी से तैयार हो जाओ। तभी प्रीता कहती है, माँ मैं भी आपके साथ चलूँगी, मुझे भी बड़ी पार्टी देखनी है। सरला कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, तू घर पर रहकर काम कर। तब प्रीता कमरे में बैठकर रोने लगती है। तभी उसे एक बॉक्स दिखता है और वह उस बॉक्स को खोलती है और उसे उसके अंदर एक अंगूठी दिखती है। वो उस अंगूठी पर चढ़ी धूल को हटाती है, तभी उसमें से एक जिन प्रकट होता है और कहता है, मांगो, क्या मांगना है? पर प्रीता डर जाती है। तब जिन कहता है, डरो मत और अपनी कोई एक विश मांगो। प्रीता कहती है, मुझे भी पार्टी में जाना है, मुझे एक सुंदर से कपड़े और सैंडल चाहिए। जिन उसकी विश को पूरी कर देता है। जब प्रीता वो सुंदर कपड़े पहनती है तो एकदम परी की तरह लगती है और फिर पार्टी में जाती है। उसे देख कर करण हक्का बक्का रह जाता है और उससे हाथ मिलाता है। तभी प्रीता अपनी माँ को देखती है और हाथ जोड़ाकर भाग जाती है, जिसकी वजह से प्रीता की अंगूठी करण के हाथ में ही रह जाती है। करण को कुछ समझ नहीं आता और वो सिर्फ देखते ही रह जाता है। जब प्रीता घर पहुँचती है तो वो देखती है कि उसके हाथ में अंगूठी ही नहीं है और प्रीता अपने असली रूप में भी आ जाती है। तब प्रीता सोचती है, अब मैं कैसे जाऊं और अगर माँ को अंगूठी नहीं मिली तो बहुत गुस्सा करेंगी। फिर प्रीता हिम्मत करके पार्टी में जाती है, लेकिन करण के वॉचमैन उसे अंदर नहीं जाने देते। तब प्रीता जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश करती है। फिर करण वहाँ आता है और कहता है, तुम कौन हो, मैंने आज तक तुम्हें नहीं देखा। तो प्रीता कहती है, अरे अभी तो हम मिले थे और तुमने मुझसे हाथ भी मिलाया था, जिसकी वजह से मेरी अंगूठी तुम्हारे पास रह गई, मुझे मेरी अंगूठी वापस कर दो। करण को यकीन नहीं होता कि ये वही लड़की है। तब वह कहता है कि ये अंगूठी पहन कर दिखाओ। तब प्रीता अंगूठी पहन लेती है जो उसके हाथ में बिल्कुल फिट आती है और करण उससे कहता है, मुझसे शादी करोगी? फिर प्रीता हाँ कर देती है और फिर दोनों शादी कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब करना ना भूलें।